السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نادرين يا جيرامي يا دنياكي زندقي. هم سبكي لي دارول امتهان. امتهان کی अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फरमायातल के मौत और हयात का यह सिलसिला जो जारी किया गया है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए कि तुम में बेहतरीन अमल और अच्छा अमल कौन करता है ये बात हमें हमेशा याद रहनी चाहिए कि आलम अरवाह में आलम जुर्म में जब अल्लाह तबारक व तआला ने तौद आसमाम की सुलब से पुष्ट से हम सब को निकाला था तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त ये सवाल किया अलस्तु तो क्या मैं तुम सब का रब नहीं हूँ तो हम सब ने बैक वक्त इस बात का एतराफ़ किया था खालू बला शहीदना अल्लाह हम इस बात का एतराफ़ करते हैं इकरार करते हैं कि तू हमारा रब है अल्लाह तबारक तआला की ये मर्जी और मंशा हुई कि इस इंसान का इम्तिहान लिया जाए आज ये इंसान यहाँ पर इकरार कर रहा है एतराफ़ कर रहा है क्या दुनिया में जाने के बाद ये इंसान अपने इस वादे पर बाकी रहेगा तो पता चला अल्लाह तबारक व इम्तिहान के लिए भेजा और अम्बिया के कराम का सिलसिला जो जारी किया आसमानी किताबें जो नाजिल की गईं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि ताकि तुमने जो वादा किया अल्लाह तबारक वाल के सामने तो उस वादे को याद दिलाया जाए और यह दुनिया की जिंदगी जो तुम्हारे लिए इम्तहान है आजमाइश है तुम इसमें अपने रब को राजी करने की कोशिश करो अल्लाह को याद करो और जिस जन्नत से तुम निकाले गए थे उस जन्नत को दोबारा हासिल करने की कोशिश करो ये इम्तिहान है दुनिया की जिंदगी और इम्तिहान के मुख्तफ तरीके अल्लाह तबारक व ताली ने रखे हैं मिसाल के तौर पर एक अहम चीज़ के ये इंसानी जिसम है अल्लाह तबारक व ताली ने हम और आपको बनाया हमारी तख्लीक फरमाई हमारे जिसम में बहुत सारे आदा ऐसे हैं जो जाहिर है नजर आते हैं मसलन हमें आंख दी गई इन आंखों से हम देखते हैं कान दिए गए हम सुनते हैं हाथ दिए गए हम इससे पकड़ते हैं लेकिन इंसानी जिस्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बातिन में हैं अंदर हैं जो हमें नज़र नहीं आती बहरहाल अल्लाह तबारक व ताली की तखलीकात के मुताबिक इंसानी जिस्म में जो पुरजा जहाँ है अपनी जगह उसकी एक अहमियत है उसका एक मकाम है लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि इंसान को गौर करना चाहिए कि सारा जिस्म अल्लाह तबारक वाली की नमत है और इन सारी नमतों में सबसे बड़ी नमत सबसे अजीम नमत जो इंसानी जिस्म में है वो अल्लाह तबारक ने दिल को बनाया है दिल ये जो पंपिंग करता है जो धड़कता है दुनियावी एतवार से अगर इस दिल के अंदर ख़राबी आ जाए कुछ कमज़ोरी आ जाए कमी आ जाए इंसान को अटैक आ जाता है तो इंसान दुनिया से चला जाता है पता ये चला कि दिल दुनियावी एतबार से जिस्मानी एतबार से भी बहुत बड़ा मकाम रखता है कि अगर इंसान दिल की बीमारी में मुबतला हो गया और अटैक आ गया तो दुनिया से रुखसत हो जाता है लेकिन उसी के साथ साथ अगर ये दिल दीनी एतबार से बीमार हो गया ये दिल दीनी एतबार से नाफरमान हो गया या उसके अंदर कमी आ गई वहां तो जिस्मानी एतबार से अगर दिल बीमार हुआ इंसान की मौत है लेकिन यहाँ अगर दिल बीमार हो गया यहाँ दिल में कमी आ गई दिल टेढ़ा हो गया तो दुनियावी एबार से तो परेशानी होगी ही होगी अल्लाह आजमाइशों में इम्तिहानात में असाब से दो चार करेगा लेकिन कल क्यामत के दिन भी इसका अंजाम बहुत बुरा होगा दिल इसकी अहमियत का अंदाजा आप इससे लगाए

अगर ये दुरुस्त रहता है इंसानी जिस्म में तो जिस्म के सारे आजा दुरुस्त रहते हैं लेकिन अगर ये खून का लोथड़ा खराब हो जाता है तो सारे आधा खराब हो जाते हैं कहा अला वही अल-कल्ब, याद रखना वो चीज़ है वो लोथड़ा है दिल पता ये चला कि इस दिल के अंदर अगर सफाई होगी ये दिल जो अल्लाह ने बनाया है इस दिल में अगर अल्लाह की खशियत होगी अल्लाह का डर होगा ये दिल अगर पाक होगा साफ होगा तो इसके जरिए जब इंसान आमाल करेगा अल्लाह की बंदगी करेगा तो जाहरी आमाल से भी काम अच्छे होंगे दिल अच्छा होगा तो जाहिर से काम भी अच्छा होगा हाथ से पैर से आखों से कानों से काम अच्छे होंगे लेकिन अगर दिल खराब होगा तो इन आंखों का इस्तेमाल गलत होगा कानों का इस्तेमाल गलत होगा हाथ पैर का इस्तेमाल भी गलत होगा आप देखो इमाम कबीर हैं सैदुलमसीब रहमत हैं ये इन्होंने एक मरतबा देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है हालत नमाज में है और हालत नमाज में अपनी दाढ़ी से खेल रहा है अगर एक हाथ आद बार आदमी का हाथ दाढ़ी की तरफ गया तो बात समझ में आती है लेकिन वो अपनी दाढ़ी से खेल रहा था नमाज में बार बार उसका हाथ दाढ़ी की तरफ जा रहा था तो सैदलम ने जब ये मंजर देखा तो कहा ला शायद अगर इसके दिल के अंदर खशियत होती तो इसका इजहार उसके आजा से होता यानी अगर दिल में खशियत होती अल्लाह का डर होता तो हाथ पैर से जो अल्लाह की बंदगी कर रहा है वो भी सही सालिम होते जहां उनको रहना चाहिए वहीं रहते वो अपने हाथों से दाड़ियों से नहीं खेल रहा बताइए चला कि ये दिल अगर सही होगा तो इंसान के जो आजा है वो भी सही काम में आगे बढ़ेंगे अगर दिल में खराबी हो गई तो इंसान के सारे खराब अमल की तरफ ही रहनुमाई करेंगे उसी तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। में, तबारक वरमायाद का ना हम अच्छी तरह जानते हैं कियामत के, के दिन अल्लाह तबारक वाला हमसे सवाल करेगा हमारे आमाल से मुतिक हिसाब वो मशहूर हदीस आपको पता है कि के के दिन बनी आदम के कदम आगे नहीं हिल सकेंगे एक कदम वो आगे नहीं बढ़ा पाएगा जमा दिए जाएंगे उसके कदम जब तक के वो चार या पांच सवालों का जवाब दे दे। पूरी उम्र के मुतालिक सवाल होगा कि तुम्हें साठ साल सत्तर साल नब्बे साल जिंदगी दी गई थी इन सारी जिंदगी को इन औकात को तुमने कहाँ सर्फ किया खसूसियत के साथ जवानी के बारे में सवाल होगा कि जवानी को तुमने कहाँ गुजारा इल्म के बारे में के जो इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया जो माल तुमने कमाया कहा से कमाया कहा खर्च किया ये सारे जो मसाइल हैं हमारे सामने, इन सारी के मुतालिक जो करेगा, हम जानते हैं सवाल है। लेकिन याद रखो कि जहाँ बहुत सारी चीजों से मुतालिक सवाल होगा वहीं पर एक सवाल आपके अपने दिल से मुतालिक होगा अल्लाह तरमाता है कुल औलाइक का नहुम असुला के याद रखो ये कान ये आंख ये दिल जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिए हैं इन सारी चीजों से मुतालिक अल्लाह आपसे सवाल करेगा अल्लाह ने कान दिया इसका इस्तेमाल तुमने कैसा किया अल्लाह ने आंखें दी इन आंखों का तुमने इस्तेमाल कैसा किया अल्लाह ने जो दिल अता किया था समझने सोचने की सलायत अल्लाह ताला ने दी थी एक धड़कता हुआ दिल तुम्हें अता किया था इस दिल को तुमने कैसा बनाया अल्लाह दिल से मुतालिक सवाल करेगा अगर हम आप देखें तो दिल की अहमियत का पता चलता है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसोल्ला वसल्लम बयान फरमाते हैं कि, <आगा> कि इबाद कहा अल्लाह के नबी व ने, ने बंदों के दिलों को टटोला दुनिया के सारे बंदों के दिलों को अल्लाह ने टटोला जांचा परखा उसमें सबसे बेहतरीन दिल पाया किसका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फस्तफाहू लिनफसिही वफ्तासहू बिरिसालतही तो अल्लाह तबाराक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए और अपनी रिसालत के लिए मुंतकब कर लिया चुन लिया उसके बाद फिर अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के सारे इंसानों के दिलों को टटोला तो सबसे बेहतरीन दिल सहाबाए कर का पाया और अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए कर को नबी करीम अलैहि वसल्लम की रिफाकत के लिए दोस्ती के लिए चुन लिया मुंतखब कर लिया इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगाएं कि अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाया मजीद में के यौम ला ला बनून इल्ला मना तल्लाह बकलबिन सलीम के कयामत के दिन वहां ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएंगे इल्ला मना तल्लाह बकलबिन सलीम मगर जो पाकीजा दिल लेकर आएगा قلب सलीम लेकर आएगा बेعيب दिल लेकर आएगा उस दिल में कमी नहीं होगी نقص नहीं होगा बिगाड़ नहीं होगा ऐसा ही शख्स कामयाब होगा इसीलिए अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया इनल्लाहा बारक तुम्हारी शक्लो सूरत को नहीं देखता तुम्हारे जिसमो को नहीं देखता हटे कट्टे हो तंदरुस्त हो जवान हो क्या तला तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है इस हदीस में पहला लफ्ज लाया गया क्लूब यानी दिल बाद में लाया गया आमाल पता ये चला कि अगर दिल सही होगा तो उसके बाद आने वाला अमल भी दुरुस्त होगा सही होगा अगर दिल में खराबी होगी तो आने वाला अमल भी खराब होगा इससे पता चलता है कि दिल की कितनी ज्यादा अहमियत है शरीयत الاسلامیہ में अल्लाह तबाराक व तआला दिलों को देखता है यही वजह थी कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे اللهم يا مثبت القلوب रे दीन इस्लाम पर कदम रखना। ये दुआ करते थे और खुशूस माई आशा सिद्ध अल्लाह तुछा अः के नबीम आप अल्लाह से ये दुआ करते हो कि अः अल्लाह मेरे दिल को तेरे दीन इस्लाम पर साबित कदम रखना आपको किस बात का अंदेशा है

कि दिल की कितनी ज्यादा अहमियत है शरीय इस्लामिया में और एक अजीब बात आप सुने गौर करें कि ये दिन इस्लाम जो नाजिल हुआ खुशन मजीद जो हम सब के लिए हिदायत की रहनुमाई की किताब है इस कुरान का नजूल कहाँ हुआ अल्लाह के नबी मोहम्मद पर तो कुरान नाजिल हुआ लेकिन कहाँ नाजिल हुआ अल्लाह तला ने फरमाया वंजिल

के हम सब की हिदायत रहनुमाई सरपरस्ती करने के लिए जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई उसको नाजिल किया तो दिल पर एक बात ये समझ में आती है ये सवाल हो सकता है कि दिल ऐसी जगह है जहां पर खैर भी होता है शर भी होता है दिल में अच्छे ख्याल भी होते हैं बुरे ख्याल भी होते हैं तो कुरान मजीद का नजूल दिल पर होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जब कुरान का नजूल हुआ तो बहुत सारे लोग ये एतराज़ भी कर सकते हैं कि दिल एक ऐसी जगह है जहाँ पर शर भी होता है तो हो सकता है नऊद बिल्ल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाफिजे से कुरान की कोई आयत भुला दी गई हो ये सवाल आगे नहीं आना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसका इंतज़ाम शुरू ही में किया वो क्या किया पाँच छः साल की उम्र के थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्ते आए आपको पकड़ा आपके सीने को चाक किया आपके सीने का ऑपरेशन किया आपके दिल को निकाला और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि आपके दिल में शैतान के का जो हिस्सा था उसे निकाल कर बाहर किया और दोबारा आपके आपके दिल को आपके सीने में महफूज कर दिया यानी बचपन ही से आपका दिल सरापा खैर ही खैर वाला हो गया वहां पर शर नाम की गुंजाइश बाकी नहीं रही शैतान के वसवसे का हिस्सा वहां मौजूद नहीं रहा क्यों क्योंकि आगे चलकर इसी दिल पर कुरान का नुजूल होने वाला है और इसी वाकये की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलम नशरह लक सदरक क्या हमने आपके सीने को नहीं खोला समझ में आता है कि ये दिल जो हमारे सीनों में धड़कता है पंपिंग करता है जो दिल इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है शरीयत अल्लाह तआला के पास कितना बड़ा मकाम है इस दिल का मगर अफसोस क्या आज हम और आप इस दिल के बारे में जरा बराबर गौर नहीं करते और समझना चाहते हैं देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करेगा गौर करें कितनी बड़ी बात अल्लाह अकबर आन अल्लाह अल्लाह ताला फरमाता है उदखुलूहा बिसलाम आमिनीन व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्ल इख्वानन अला सुरुर मुतकाबिलीन आन अल्लाह अल्लाह का कलाम देखिए अल्लाह फरमाता है कि मुत्तकी लोग क़यामत के दिन बागात में होंगे नेमत वाली जगह में होंगे और उनसे कहा जाएगा अमन अमान के साथ सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ उसके बाद कहा वा नज़ाना मा फी मिन गिल। हम उनके सीनों से निकाल लेंगे गिल कीना कपट हसद हम उनके सीनों से निकाल लेंगे उनके दिलों से निकाल लेंगे और जन्नत में वो भाई भाई बन करके मसनदों पर आमने-सामने कर के मसंदों इस आयत में जो बात वादे की जा रही है वो ये कि दिल का इतना अहम मकाम है शरीयत में कि जन्नत में जाने से पहले अल्लाह तबारा व अचालक दिलों की सफाई करेंगे कैसी सफाई अगर एक भाई को दूसरे भाई से कोई कीना होगा बुक्स होगा हसद होगा कोई रंजिश होगी कोई शिकायत होगी जन्नत में दाखिले से पहले सारे मामला को साफ कर लिया जाए जन्नत में जाने वाला शख्स जो होगा उसके दिल में कोई कजी नहीं होगी दिल में कोई नफरत और अदावत बुक्स हसद नहीं होगा दिल साफ सुथरा होगा ये खूबी है जन्नत की कि जन्नत में ऐसे दिल का दाखिला नहीं हो सकता नाजरीन हम सब मिलकर दुआ करें कि यकीनन हम गुनहगार लोग हैं खताकार लोग हैं अल्लाह तबारक वाल हम लोगों को अपनी रहमत से ढांप ले और हम सब को बगर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दें तो दोस्तों पता ये चला कि दीन इस्लाम में शरीयत में दिल की बहुत ज़्यादा अहमियत है इसका बहुत बड़ा मकाम है इस हदीस में जो वाज किया गया कि जन्नत में जो जाने वाले हैं उनके दिल साफ होंगे सुथरे होंगे पाक साफ होकर के जन्नत में जाएंगे सुरहान लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये दिल जिसकी इतनी ज़्यादा शरीयत में अहमियत है ये एक खून का लोथड़ा है एक नर्म है नाजुक है अगर आदमी दिल को ज़रा सा छू ले दबा दे तो खून का लोथड़ा है फैल जाएगा ख़त्म हो जाएगा लेकिन सारा दारोमदार इसी दिल पर है इसी दिल पर है इसीलिए एक सवाल उठता है क्या इंसान का जो दिल है ये सख्त होता है हाँ इंसान का दिल सख्त होता है बल्कि पत्थर हो जाता है बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है दोस्तों क़ुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने सूरह बकरा के अंदर एक वाकया बयान फरमाया वाकया वो ये कि एक चचा था वो बड़ा मालदार था उसका भतीजा उसने चुपके से तन्हाई में किसी को पता ना चले उसका कत्ल कर दिया उसका कत्ल कर दिया और उसकी लाश को किसी और के दरवाजे पे जाकर छोड़ दिया पूरे इलाके के लोग परेशान हैं कि इसका कत्ल किसने किया कातिल कौन है अल्लाह तबारक वाली ने मूसा सलाम के ज़रिए ये बात वाद फरमाई कि एक गाय लाई जाए उस गाय को जबाह करो जबाह करने के बाद उसके गोश के टुकड़े को मकतूल के जिसम पर लगाओ मकतूल जिंदा होगा और अपने कातिल का नाम बताएगा कि उसका कातिल कौन है उसकी निशानदही करेगा उसके बाद फिर मर जाएगा ये वाकया बहुत तफसील से अल्लाह तबारा को तला ने बयान किया है दोस्तों मैं आपके सामने फिर दोबारा इनशा इस बात को तफसील से बयान करूँगा क्योंकि हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है इनशल्ला हम आइंदा इस मौजू को जारी रखेंगे और आपसे बात करेंगे अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला किताब व सुन्नत की रोशनी में जो बातें कही जाती हैं अल्लाह हम सबको समझने की अता फरमाए आमीन व आखर दावाना अनिल रबालमीन अल्लाम व बरकातहू